नमस्कार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों पर बात करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं ध्वनि संप्रदाय की। व्याख्याता कॉलेज शिक्षा में ये विषय दिया गया है ध्वनि संप्रदाय। काव्य की आत्मा क्या हो, इसको लेकर के संस्कृत में अनेक मत दिए गए हैं। काव्य की आत्मा के रूप में सबसे पहले भामा ने अलंकार को स्थापित किया, उसके बाद आचार्य वामन ने रीति को स्थापित किया और उसके बाद हमें काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि संप्रदाय मिलता है। आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हुए ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत अति प्रतिष्ठा प्राप्त सिद्धांत है और आनंद वर्धन का ग्रंथ ध्वन्यालोक एकमात्र ग्रंथ इस क्षेत्र में प्राप्त होता है जिसमें ध्वनि की पूर्ण विवेचना हमें मिलती है। आचार्य आनंद वर्धन ने कहा है, काव्य आत्मा ध्वनि रीति, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। आनंद वर्धन से पूर्व ध्वनि का कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है, लेकिन आचार्य आनंद वर्धन ने ही ध्वन्यालोक के आरंभ में कहा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धर्य समामनात् पूर्व है, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा पूर्ववर्ती विद्वान कह चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य आनंद वर्धन से पूर्व ध्वनि की विवेचना हो चुकी थी, परंतु कोई भी ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता। इस कारण से हम ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में आनंद वर्धन का ही नाम लेते हैं। ध्वनि शब्द का अर्थ बताते हुए स्वयं आनंद वर्धन कहते हैं, ध्वनिति इति, अर्थात जो व्यंग्य अर्थ को प्रकाशित करता है अथवा जिससे व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है वह ध्वनि है। आनंद वर्धन ने कहा है, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुप सर्जनीकृत स्वार्थ हो व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनि रीति सुरभिः कथितः, अर्थात जहां पर कोई शब्द या उसका अर्थ अपने वाच्यार्थ को छोड़ दे और उस संकेतित अर्थ को व्यक्त करे जो विशिष्ट व्यंजना युक्त हो, उसे ही विद्वान ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह से ध्वनि जो है वाच्यार्थ से परे का अर्थ है, संकेतित अर्थ है। कि संकेतित अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए हम जानते हैं कि काव्य शास्त्र में संबंध और अर्थ को, इनके शब्द और अर्थ के संबंध को बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। काव्य शास्त्र में तीन शक्तियां बताई गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा किसे कहते हैं, अभिधा वह शक्ति है जो वाक्य या शब्द का सामान्य अर्थ, कोशगत अर्थ, लोकगत अर्थ बताती है, उसे हम अभिधा शक्ति कहते हैं, यानी कि वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। दूसरी बात हम करते हैं लक्षणा की। लक्षणा के संबंध में ममट कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर जो निकट का अर्थ लिया जाता है उसे हम लक्षार्थ कहते हैं, अर्थात लक्षार्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति ही लक्षणा है। तीसरी शक्ति है व्यंजना। इन दोनों शक्तियों के कार्य के समाप्त होने के पश्चात जो तीसरी शक्ति अर्थ को प्रकट करती है उसे हम व्यंजना कहते हैं, यानी कि जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है वो व्यंजना है। व्यंग्यार्थ क्या है, प्रतीयमान अर्थ, संकेतित अर्थ, झलकने वाला अर्थ, प्रतीत होने वाला अर्थ, यही व्यंग्यार्थ है और इसी व्यंग्यार्थ को हम ध्वनि कहते हैं। व्यंग्यार्थ ही ध्वनि है। आनंद वर्धन ने कहा है, प्रत्ययमानम पुनर अन्य देव स्तवस्ति वाणीषु महाकवि नाम यत् प्रसिद्धा व्यतिरिक्तम
विभाति लावण्य मीवांगनासु, अर्थात जिस प्रकार नारी सौंदर्य में विविध अवयवों के सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्य झलकता है, उसी प्रकार महाकवियों के वाणी में भी प्रतीत होने वाली कुछ अन्य ही वस्तु हुआ करती है, उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं या फिर ध्वनि कहते हैं। यह लावण्य क्या है? इस लावण्य के संबंध में आनंदवर्धन कहते हैं, जैसे मोती के भीतर छाया की तरलता होती है, उसी प्रकार लावण्य भी झलकता है। अथवा जैसे किसी कुल वधु के अनेक अलंकारों में लज्जा नाम का अलंकार झलकता है, वैसे ही महाकवियों की वाणी में व्यंग्यार्थ झलकता है। अब हम बात करते हैं कि ये ध्वनि शब्द आया कहां से है। ध्वनि शब्द व्याकरण से आया है। ध्वनि का आधार व्याकरण का स्फुट सिद्धांत है। वर्णों के मिलने से शब्द कैसे बनते हैं और शब्द बनने के पश्चात उनका अर्थ कैसे प्रकट होता है, इस संबंध में व्याकरण शास्त्रियों के दो मत हैं। पहला है स्मरण सिद्धांत और दूसरा है स्फोटवादी सिद्धांत। स्मरणवादी सिद्धांत कहता है कि अक्षरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो सारे अक्षरों का उच्चारण करके उनको हम इकट्ठा स्मरण कर लेते हैं, उनको हम इकट्ठा याद कर लेते हैं और स्वयं ही अर्थ आ जाता है। क्या कहते हैं कि अक्षरों को हम उच्चारण करते हैं, उनका उच्चारण करने के बाद हम उन्हें स्मरण कर लेते हैं और इस तरह से हम जो शब्द हैं उनका अर्थ ले लेते हैं। स्फोटवादी कहते हैं कि जो स्मरण की प्रक्रिया का सिद्धांत है वो ये कहता है कि समान प्रभाव वाले शब्दों में हमें सबसे पहले अंत में उच्चरित होने वाला अक्षर ही याद आएगा। यानी कि अगर हम याद करते हैं किसी अक्षर को शब्द के रूप में, अक्षरों को जोड़ करके शब्द याद करते हैं, तो हमें अंतिम अक्षर पहले याद आता है। और इस प्रकार से वर्णों का क्रम जो है वो अपने मूल रूप से ठीक विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम याद करते हैं कमल, कमल, लेकिन जब हम इसे याद करके फिर उच्चरित करेंगे तो ये हमें उल्टा याद आएगा, विपरीत याद आएगा। यानी कि हमें याद आएगा लमक, कमल की जगह पर हमें लमक याद आएगा। तो स्फोटवादियों के अनुसार स्मरण से शब्द का अर्थ नहीं निकलता, इसलिए स्फोटवादी क्या कहते हैं, वे कहते हैं प्रत्येक वर्ण के दो रूप होते हैं, पहला है अनित्य रूप और दूसरा है नित्य रूप। स्फोटवादी मानते हैं कि जैसे ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, एक एक करके हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वर्ण के उच्चारण के साथ ही उसका अनित्य रूप समाप्त हो जाता है और नित्य रूप जो है वो अपना संस्कार अगले वर्ण को दे देता है। जैसे ही हम शब्द के अंतिम वर्ण का उच्चारण करते हैं उसके साथ ही स्फोट क्रिया होती है और इस तरह से जो है शब्द स्पष्ट हो जाता है और हम उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत भी यही मानता है कि जब हम वास्तविक प्रसंग को जान लेते हैं तो प्रसंग को जानते ही हमें संकेतित अर्थ जो है वो ध्वनित हो जाता है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से स्फोट सिद्धांत के अनुसार ही हम ध्वनि के अर्थ को ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि के भेद। ध्वनि के भेद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं। अभिनव गुप्त मानते हैं ध्वनि के 35 भेद हैं। ममट ने ध्वनि के भेदों की विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने 10,455 भेदों का उल्लेख किया है और उसके बाद उन्होंने 51 भेद ही मुख्य माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने भी 5,304 भेदों की गणना करने के बाद 51 भेदों की ही विवेचना की है। अगर हम मुख्य रूप से ध्वनि के भेदों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ध्वनि के हम दो भेद
करते हैं। पहला है अविवक्षित वाच्य और दूसरा है विवक्षित वाच्य। अविवक्षित वाच्य इसके फिर हम दो भेद करते हैं, अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत। विवक्षित वाच्य के भी हम दो भेद करते हैं, पहला है संरक्ष क्रम और दूसरा है असंरक्ष क्रम। अब हम देखते हैं ध्वनि के ये भेद क्या हैं। पहला हमने बात की अविवक्षित वाच्य। अविवक्षित वाच्य, विवक्षित वाच्य, यहां पर विवक्षित का मतलब है वाच्यार्थ बोलना, वाच्यार्थ को बोलना या वाच्यार्थ को ग्रहण करना। अविवक्षित वाच्यार्थ को ग्रहण नहीं करना, यानी कि जहां पर वाच्यार्थ बिल्कुल भी ना लिया जाए, केवल व्यंग्यार्थ ही लिया जाए, इसे हम लक्षणा मूलक भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य जहां पर हमें वाच्यार्थ बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ व्यंग्यार्थ लेना है। इसके दो भेद हम देखते हैं, एक है अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित जहां पर क्षण भर के लिए वाच्यार्थ लिया जाए, लेकिन वह वाच्यार्थ तत्काल ही व्यंग्यार्थ में चला जाए या व्यंग्यार्थ में सरक जाए या फिर व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाए, व्यंग्यार्थ ही ग्रहण किया जाएगा। क्षण भर के लिए हम जरूर उसका वाच्यार्थ लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक उदाहरण है, सीता हरण तात जनी कहियो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आए। सीता हरण के बाद जब मृत प्राय जटायु को राम अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो ऐसे में राम उन्हें कहते हैं कि आप बैकुंठ में जाकर के सीता हरण की बात मत कहना मेरे पिता से, अगर मैं राम हूं तो परिवार सहित आकर के रावण स्वयं बताएगा। यहां पर हम राम शब्द का क्षण भर के लिए ही वाच्यार्थ लेते हैं, राम शब्द का नाम से अभिप्राय क्षण भर के लिए ही है, और तुरंत हम इसका वाच्यार्थ से परे व्यंग्यार्थ ग्रहण करते हैं, और व्यंग्यार्थ है यदि मैं क्षत्रिय हूं, यदि मैं स्वाभिमानी हूं, तो मैं अपनी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा और रावण को उसके कुल सहित मैं बैकुंठ में पहुंचा दूंगा। तो राम शब्द का जो वाच्यार्थ है वो क्षण भर के लिए ही हमने राम शब्द का अभिप्राय नाम से लिया, और उसके तुरंत बाद जो है हमने इसका अर्थ जो है व्यंग्यार्थ लिया है, यानी कि हमने राम से अभिप्राय लिया है कि यदि मैं वीर हूं, यदि मैं क्षत्रिय हूं, यदि मैं स्वाभिमानी हूं, तो ये सारे अर्थ जो है वो व्यंग्यार्थ हैं। दूसरा इसका भेद है अत्यंत तिरस्कृत, यानी कि जहां पर वाच्यार्थ बिल्कुल ही न लिया जाए, जहां पर वाच्यार्थ बिल्कुल ही ना लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ हम उसको उसका व्यंग्यार्थ ही लेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर हम देखते हैं, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो। तो यहां पत्थर का एक सामान्य पत्थर वाला अर्थ नहीं आएगा, बल्कि यहां पर हम सीधा ही अर्थ लेंगे जो बलिदानी नाम शहीद इस देश के लिए हुए हैं, वही हम अर्थ लेंगे। पत्थर का अर्थ जो है वाच्यार्थ वाला हम नहीं लेंगे। तो अत्यंत तिरस्कृत, किसका तिरस्कार किया है हमने, वाच्यार्थ का, हम वाच्यार्थ बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ व्यंग्यार्थ लेंगे। अब हम दूसरे भेद की बात करते हैं, विवक्षित वाच्य, जहां पर वाच्यार्थ भी लिया जाए और फिर व्यंग्यार्थ भी लिया जाए। वाच्यार्थ भी हम ग्रहण करेंगे और व्यंग्यार्थ भी ग्रहण करेंगे, लेकिन इसके फिर दो भेद हैं, संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य क्रम नाम से स्पष्ट है, जहां पर हम वाच्यार्थ भी लेंगे और व्यंग्यार्थ भी लेंगे, लेकिन कैसे, क्रम से लेंगे। जहां पर हम क्रम से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ लेते हैं, वहां पर होता है संलक्ष्य क्रम। बिहारी के बहुत सारे दोहों में हम देख सकते हैं कि हम ये संरक्षक क्रम के उदाहरण हमें मिलते हैं, अली कली सोही बंदेव आगे कौन हवाल। तो ऐसी जो पंक्तियां हैं वहां पर हम देखते हैं कि यहां पर कली और भंवरे वाला अर्थ लेने के बाद हम स्वयं
जो है वो वाचार्थ से परे व्यंग्यार्थ पर जाते हैं और हम राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा पत्नी के अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संलक्ष्य क्रम, यानी कि क्रम से हम पहले एक अर्थ लेते हैं और फिर हम दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है असमक्षय क्रम, जहां पर वाचार्थ भी लेना है और व्यंग्यार्थ भी लेना है, लेकिन उनका कोई क्रम नहीं है, क्रम से हमें नहीं लेना। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सखी सिखावत मान विधि, सैननी बरजती बाल, हरुए कहो मोह ये बसत सदा बिहारी लाल। यहां पर सखी जो है वो राधा से कृष्ण के प्रति मान करने को कहती है, रूठने को कहती है, परंतु राधा जो है वो तुरंत उत्तर देती है कि धीरे बोलो, कृष्ण पास में है, सुन लेंगे। ये तो हुआ वाच्यार्थ। और दूसरा है अर्थ तुरंत निकलता है इसके साथ साथ, वो है कि कृष्ण तो मेरे हृदय में ही रहते हैं, वो तो हमेशा ही मेरे साथ ही हैं, ऐसे में उनसे मान कैसे किया जाए। तो ये व्यंग्यार्थ भी हम साथ साथ ग्रहण करते चले जाते हैं। यहां पर वाचार्थ और व्यंग्यार्थ का अलग अलग क्रम नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने ध्वनि के दो भेद देखे, अविवक्षित वाच्य और विवक्षित वाच्य। कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने ध्वनि का विरोध किया है। आनंदवर्धन के इस ध्वनि सिद्धांत का विरोध जो है मुकुल भट्ट, प्रतिहारेन्दु राज, भट्टनायक, धनंजय, महिम भट्ट आदि आचार्यों के द्वारा किया गया। और इन आचार्यों के जो हैं हम तीन मत या तीन रूप पाते हैं, तीन वर्ग पाते हैं। पहला जो वर्ग है वो है अभाववादी आचार्यों का। अभाववादी आचार्य कहते हैं कि व्यंजना नहीं होती, यानी कि वे व्यंजना को स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ अभिधा को ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार जो दूसरा अर्थ हम ग्रहण करते हैं वो अभिधा का ही है। उनके अनुसार दीर्घ दीर्घतर इशु व्यापार है, यानी कि जिस तरह से एक बाण जब शरीर में घुस जाता है तो धीरे धीरे और आगे जाकर के वो और अधिक गहरा घाव करता चला जाता है, वैसे ही अभिधा के ही गहरे से गहरे अर्थ निकलते हैं। दूसरा जो मत है वो है भक्तिवादी आचार्य। वे कहते हैं कि व्यंजना नहीं होती बल्कि लक्षणा होती है, और लक्षणा में ही वे व्यंजना को स्वीकार करते हैं और लक्षणा और व्यंजना को वो अलग अलग नहीं मानते। तीसरे प्रकार के आचार्य हैं अलक्षणीयवाद, अर्थात जो लक्षणों को नहीं मानते, यानी कि वे कहते हैं व्यंजना तो होती है लेकिन व्यंजना के लक्षण को नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह से ये क्या है, अलक्षणीयतावादी आचार्य, जो व्यंजना को तो मानते हैं परंतु ये भी कहते हैं कि व्यंजना के हम लक्षण नहीं बता सकते हैं। ध्वनि के आधार पर ही आनंदवर्धन ने काव्य के तीन भेद किए। पहला भेद है उत्तम काव्य। उनके अनुसार उत्तम काव्य कौन सा है, जो ध्वनि काव्य है, यानी कि जिसमें ध्वनि है, जिसमें व्यंग्यार्थ है, वह काव्य जो है उत्तम काव्य है। दूसरा है मध्यम काव्य, जिसे नाम दिया गया है गुणीभूत काव्य। तीसरा काव्य जिसे अधम काव्य कहा गया है वो है व्यंग्य रहित काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि नहीं रहती है, उसे हम व्यंग्य रहित अधम काव्य मानते हैं। इस तरह से ध्वनि के आधार पर आनंदवर्धन ने तीन भेद बताए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इस तरह से भारतीय काव्य शास्त्र का ये एक मुख्य सिद्धांत है। अब हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं जो गत परीक्षाओं में ध्वनि से संबंधित आरपीसी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प में है पहला, ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूलक और दूसरा है व्यंजनामूलक। दूसरा विकल्प है, लक्षणामूलक को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। तीसरा विकल्प है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद माने गए हैं,
चौथा विकल्प है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक मूला ध्वनि का ही एक भेद है। इसमें से हम देखते हैं कि पहला विकल्प जो है वो सही नहीं है। ध्वनि के दो भेद तो माने गए हैं, परंतु लक्षणामूला और व्यंजनामूला न होकर के लक्षणामूला और अविधामूला भेद माने गए हैं। इस तरह से यहाँ पर पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि का सिद्धांत वैयाकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प है स्फोट, दूसरा विकल्प है उत्तम काव्य, तीसरा विकल्प है गुणीभूत काव्य व्यंग्य, चौथा विकल्प है चित्रकाव्य। हम देखते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प ये काव्य के स्तर या भेद बताए हैं आनंदवर्धन ने, और ध्वनि का जो सिद्धांत है वो व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से आया है। इस तरह से उत्तर है नंबर एक, स्फोट सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नात पूर्व, ये कथन किस विद्वान का है? विकल्प है वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, ममट। तो हमने पढ़ा है कि आचार्य आनंदवर्धन ने ही अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक के आरंभ में कहा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, यानी कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, जैसा कि पूर्व के विद्वानों ने कहा है। इस तरह से इसका उत्तर होगा नंबर तीन। आज हमने ध्वनि के बारे में बात की है। नमस्कार।